प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव ने ध्वजारोहण किया और नागरिकों को संबोधित किया। राज्यपाल राम नरेश यादव ने ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड ने पुलिस बैंड द्वारा बजाई गई जन गण मन की सुमधुर धुन के बीच हर्ष फायर कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश आज एक नई पहचान बनाकर सुशासन, जनकल्याण और अधोसंरचना विकास में निरंतर आगे बढ़ रहा है। परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोपल हायर सेकेंडरी स्कूल नेहरू नगर, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूना भट्टी, सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी कोएड स्कूल, भेल और स्कॉलर्स होम पब्लिक स्कूल, अरेरा कॉलोनी के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। घुड़सवारी एकेडमी के घुड़सवारों ने भी आकर्षक करतब दिखाए। अनुसूचित जाति समुदाय का काठी लोकनृत्य भी समारोह का आकर्षण केंद्र रहा। सरकारी 19 विभागों की झांकियां भी निकाली गई। भाइयों और बहनों, भारतीय गणतंत्र के 66वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमने संविधान को स्वीकार करते हुए गणतंत्र आंदोलन किया था। मेरा इस अवसर पर देश के भोपाल से EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।